हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास रॉयल इनफील्ड की एक न्यू बाइक है जिसे आप जानते होंगे। ये है रॉयल इनफील्ड की मिट्टी और 350 एस्टेलार जो कि न्यू कलर के साथ में आई दोस्तों, ब्लैक विद मैट फिनिश दोस्तों, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लग रही है। इस बाइक का आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ। इस बाइक के सारे फीचर्स, प्राइस, माइलेज सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेकर, सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये रही हमारी रॉयल इनफील्ड की मिट्टियो 350 स्टेलार जो कि सामने से कुछ ऐसी दिखती है। सबसे पहले इस बाइक का मैं आप लोगों को एक छोटा सा 360 व्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ ये बाइक दिखती कैसी है। दोस्तों ये बाइक राइट साइड से कुछ ऐसे दिखेगी। अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ। ये रहा दोस्तों पीछे का व्यू, और अभी हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। इधर से ये बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। ये फुल ब्लैक कलर में है दोस्तों और मैट फिनिश में, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अभी हम दोस्तों इस बाइक के हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स की बात करें तो आपको सबसे पहले बड़ी सी हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलोजन मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको LED DRL देखने को मिल जाएगा जो कि ऑन होने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ, और सबसे पहले मैं की आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें आपको इंटरसेप्टर जैसी की मिलने वाली है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अभी मैं बाइक को ऑन कर देता हूँ। ये मैंने बाइक को ऑन कर दिया और आगे चल के देखते हैं DRL कुछ ऐसे दिखेगा ऑन होने के बाद। और यहाँ पे देखें तो आपको हैलोजन बल्ब पे रॉयल इनफील्ड का लोगो मिल जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। ये ऑन करने के लिए एक्चुअली इंजन ऑन करना पड़ेगा। ये यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ, मैंने ऑन कर दिया। अभी देखते हैं, ये देखो हेडलाइट ऑन हो चुकी है दोस्तों, काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही है। अभी मैं हाई बीम भी ऑन करके दिखा देता हूँ। हाई बीम ऑन करने के लिए यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ये मैंने हाई बीम ऑन कर दिया है। हाई बीम ऑन होने के बाद काफ़ी रोशनी बढ़ चुकी है जो कि बहुत अच्छी बात है मैं राइडर के लिए। अभी इंडिकेटर भी मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। इंडिकेटर ये रहा, इंडिकेटर आपको बल्ब मिलने वाला है दोस्तों। और अभी मैं बाइक को ऑफ़ कर देता हूँ। सबसे पहले ये रहा, ये क्विक स्विच यहाँ से मैंने ऑफ़ कर दिया दोस्तों, और ये भी मैं ऑफ कर देता हूँ। और अभी मैं बाइक को यहाँ से भी ऑफ़ कर देता हूँ और आगे चलते हैं अभी हम। और दोस्तों अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है 41 mm का। और रियर की बात करें तो पहले मैं दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों रियर का सस्पेंशन। रियर में आपको मिल जाएगा ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर विद 6 स्टेप्स एडजस्टेबल प्रीलोड, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस सस्पेंशन को अपने आवश्यकता अनुसार 6 स्टेप्स एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस बाइक के लिए। और आगे चलते हैं दोस्तों, मडगार्ड में नज़र डालें तो आपको ये मेटल फिनिश में मिल जाएगा दोस्तों, ब्लैक कलर में, जो कि मैट फिनिश में आता है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको फाइबर वर्क किया मिलेगा। ये आपका फाइबर वर्क मिल जाएगा दोस्तों, फाइबर में आपको मिलेगा ये ब्लैक कलर में मैट फिनिश में। और दोस्तों इसके हम टायर की बात करें तो आपको इस बाइक में ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा दोस्तों, जो कि ब्रांड रहने वाला है C8 का। फ्रंट में आपको मिलने वाला है दोस्तों 100x90 का टायर साइज़। और रियर की बात करें तो रियर का पहले मैं दिखा देता हूँ। रियर का दोस्तों ये रहा, आप देख ही रहे हो। रियर में आपको थोड़ा सा वाइड टायर साइज मिल जाएगा। रियर में आपको मिलने वाला 140x70। और इसके व्हील की बात करें दोस्तों, आपको एलॉय व्हील मिल जाएगी जिसकी साइज़ फ्रंट में रहने वाली है 19 इंच की, और रियर में आपको मिल जाएगी दोस्तों 18 इंच की। यह एक क्रूज़र बाइक है दोस्तों, इसलिए इस बाइक का फ्रंट व्हील साइज़ थोड़ा सा बड़ा है एंड रियर व्हील साइज़ थोड़ा सा छोटा है दोस्तों। और अभी हम इस बाइक के ब्रेक की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको मिल जाएगा 300 mm का डिस्क, और रियर में आपको मिल जाएगा 270 mm का डिस्क दोस्तों। और इसमें आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS, जो कि बहुत अच्छी बात है इस बाइक के लिए। और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और अभी हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा इस बाइक का इंजन, जो आपको फुल ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि ये भी देखने में काफ़ी कड़क लग रहा है। और यहाँ पे आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों ये। और अभी हम इस बाइक के इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको इंजन मिल जाएगा 349 cc का, और आपको पावर मिलने वाली है 20.4 PS एट 6100 RPM, और आपको टॉर्क मिल जाएगा दोस्तों 27 Nm एट 4000 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, 4 स्टॉक, एयर कूल, फ्यूल इंजेक्टर, और साथ में आपको 5 स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, आपका ये हो गया ब्रेक पैड, जो कि बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में। ये राइडर फुटरेस, यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। और दोस्तों आगे चलते हैं। ये रहा आपका साइलेंसर, जो कि फुल आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलेगा। और आपको कैटलेटिक कन्वर्टर यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि अंदर की तरफ कवर किया गया है। और
इधर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर का व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं आपको मेट्योर 350 की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और ये रहा हमारा पिलियन राइडर फुटेज जो कि फोल्डेबल है और बहुत ही बिल्ड क्वालिटी का है दोस्तों ये। और अभी हम इसके टैंक पर चलते हैं, टैंक का व्यू आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। ये आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड लिखा मिल जाएगा जो कि 3D में है। और टैंक आपको फुल ब्लैक कलर एंड मैट फिनिश में मिलने वाला जो कि देखने में बेहद खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। और अभी हम आगे चलते हैं, और ये रहा इधर का व्यू, थोड़ा दूर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर से भाई कुछ ऐसी दिखेगी। और अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ दोस्तों, ये रहा पीछे का व्यू, यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड लिखा मिल जाएगा जो कि सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ में आता है। और नीचे चल के देखें, ये रहा दोस्तों टेल लैम्प की बात करें तो आपको बल्ब मिल जाएगा, ये मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। और ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा दोस्तों, बहुत ही प्यारी लग रही है टेल लैम्प। और दोस्तों यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा, और यहाँ पे आपको एक हल्की सी लाइट मिल जाएगी जो हमारे नंबर प्लेट पे रोशनी जाती रहेगी। और ये रहा रिफ्लेक्टर दोस्तों, और अभी मैं बाइक को सबसे पहले ऑफ़ कर देता हूँ, ये मैंने बाइक को ऑफ़ कर दिया। और आ जाते हैं अभी हम इधर, यहाँ पे हमें सारी गार्ड मिल जाता है दोस्तों जो कि बहुत बड़ा है, विद लेडीज फुटरेस आता है। और दोस्तों ये रहा हमारा पिलियन राइडर फुटरेस, जैसे हमने उधर देखा था वैसे ही है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मेट्योर 350 की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और चैन रैप की बात करें तो ये रही दोस्तों चैन रैप, आप देख ही रहे हो। और दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं, ये रहा सिंगल स्टैंड एंड डुअल स्टैंड, इसमें आपको दोनों स्टैंड मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये रहा इधर से इंजन का व्यू कुछ ऐसे मिल जाएगा। और दोस्तों ये रहा दोस्तों हमारा राइडर फुटरेस, और ये रहा दोस्तों गियर पैड, गियर बॉक्स की बात करें तो आपको इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाले हैं। और अभी हम आगे चलते हैं, ये रहा टैंक का व्यू दोस्तों, इधर से कुछ ऐसे दिखेगा टैंक। और थोड़ा दूर से मैं दिखा देता हूँ इस बाइक का व्यू, कुछ ऐसे दिखने वाली है बाइक, आप देख ही रहे हो। और दोस्तों अभी हम चलते हैं सामने, सामने से देखते हैं बाइक कैसी दिखती है, सामने से ये बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। अभी हम इस बाइक के सीट की बात कर लेते हैं, इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी जो कि देखने में बेहद कड़क दिख रही है। और इस बाइक का राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, इस बाइक को आप सिटी एंड हाईवे कहीं भी आराम से चला सकते हो। और पिलियन कम्फर्ट की बात करें तो आपको इस बाइक में पिलियन कम्फर्ट अच्छा खासा मिलने वाला है, क्योंकि इस बाइक का बैकरेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, मुझे इस बाइक का बैकरेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रैबरेट मिल जाएगा पिलियन राइडर के लिए, ताकि बैठ के आसानी से इस बाइक को पकड़ सकें, राइड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और अभी हम आगे चलते हैं, और टैंक की बात करें तो ये रहा दोस्तों इसका टैंक, पहले मैं दोनों तरफ से इस बाइक का टैंक आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा दोस्तों। और इसके टैंक की बात करें तो आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। और इस बाइक की माइलेज की बात करें तो आपको अप्रोक्स 35 प्लस के आसपास माइलेज मिलने वाली है दोस्तों, बाकी तो डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है। अभी हम आगे चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, ये मैं ऑन कर देता हूँ, ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्पीड शो करेगा दोस्तों। और ये आपका हो गया फ्यूल का दोस्तों, और ये आपका गियर इंडिकेटर भी है इसमें, इसमें आपका ये ट्रिप का हो गया ऑप्शन दोस्तों। और ये आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन शो करेगा, आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों इसके ऐप के जरिए। ये आपका न्यूट्रल का हो गया, ये आपका बैटरी का, ये आपका फ्यूल का बताएगा, ये ABS का दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, और आपको ट्रिप का चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये बटन से आप वो चेंज कर सकते हो, ये देखो दोस्तों। और अभी हम चलते हैं हैंडल बार पे, हैंडल बार की बात करें तो ये आपका थ्रोटल रहा दोस्तों, और ये आपका हो जाता है ब्रेक लीवर दोस्तों, और ये आपका हो जाता है सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन, और यहीं से आपका सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा एंड स्किल स्विच। ये आपका पार्किंग लाइट हो दोस्तों, पहले पार्किंग लाइट मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, ऑन होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी पार्किंग लाइट, मैं पीछे की भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये रहा दोस्तों। और अभी हम आगे चलते हैं, ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और दूसरी तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको ये आपका हाई बीम हो गया, ये आपका लो बीम, और ये ऐसे करेंगे तो ये पासिंग लाइट, ये आपका टर्न सिग्नल लैंप, ये इंडिकेटर हो गया दोस्तों, ये आपका हॉर्न हो गया, काफ़ी लाउड हॉर्न है दोस्तों। और ये आपका यहाँ पे जो स्विच दिख रही है, ये आपका ये ट्रिप सेट करने का ऑप्शन है दोस्तों एंड चेंज करने का। और ये दोस्तों आपका हो जाता है क्लच लीवर। और दोस्तों इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा दोस्तों 170 mm, और इस बाइक का व्हील बेस है दोस्तों 1400 mm, और इस बाइक की सैडल हाइट है दोस्तों 765 mm। और दोस्तों इस बाइक की वेट की बात करें तो 197 kg के आसपास है, ये मैं आप लोगों को कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और दोस्तों इस बाइक के वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं मिट्टो में, पहला आपको फायरबॉल मिलता है, दूसरा आपको एस्टेलार मिलता है, ये सेकंड मॉडल है दोस्तों, और थर्ड आपको मिल जाएगा सुपरनोवा जो कि टॉप मॉडल है दोस्तों, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बताया है, वो जाके आपको चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। इस बाइक का मैं आप लोगों को एक जो साउंड सुना देता हूँ,
दोस्तों अभी हम इस बाइक के प्राइस की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको तीन कलर मिलता है दोस्तों। पहला आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर जो आप देख रहे हो, दूसरा आपको ब्लू मिल जाएगा, तीसरा आपको रेड मिल जाएगा दोस्तों। और इन तीनों कलर का प्राइस सेम ही है दोस्तों। इसके एक्स शोरूम की बात करें तो एक्स शोरूम आपको पड़ जाएगा इस बाइक का 1,90,079 रुपये दोस्तों। और ऑन रोड आपको पड़ने वाली है दोस्तों ये 2,30,495 रुपये दोस्तों। अगर आप लोग आस पास से हो, यूपी एंड प्रतापगढ़ से हो, तो आप लोग इस शोरूम पर आके विजिट कर सकते हो। इस शोरूम का एड्रेस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप बात कर सकते हो जो भी डील होगी। और दोस्तों यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे रेगुलर वीडियो लाते रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।